श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में आलस्य से बड़ा कोई शत्रु और परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। आलस्य जहां उसे जीवन में पीछे की ओर धकेलता है, तो वहीं परिश्रम उसे जीवन में आगे की ओर ले जाता है। आलस्य हमेशा व्यक्ति की सफलता में बाधक बनता है। कहा भी गया है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। कहने का तात्पर्य ये है कि आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती, और जिनके पास विद्या नहीं हो वो कभी धन नहीं कमा पाता, और जिसके पास धन नहीं होता उसका कोई मित्र नहीं होता, और जिसके मित्र नहीं होते वह जीवन का कोई सुख नहीं उठा पाता है। इंसान की दरिद्रता का कारण क्या है? आलस। लेकिन कठोर परिश्रम से दरिद्र इंसान भी धनवान हो जाता है। जीवन और समय का मोल ना समझने वाले इंसान अक्सर अपना अनमोल जीवन और समय अकारण ही गवा देते हैं। आलस्य से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि यदि आप उसे आज का दिन देते हैं तो वह आपके कल का दिन चुरा लेता है। आलस्य के चलते बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य हमेशा बैठा ही रहता है, जबकि कर्म के लिए उठ खड़ा होने वाले व्यक्ति का भाग्य भी उसकी उन्नति के लिए उठ खड़ा होता है। कल करे सो आज का, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा का। ये दोहा तो आपने जरूर सुना, लेकिन क्या आपने इस पर अमल किया है? हम में से ज्यादातर लोग किसी भी काम या नई शुरुआत को हमेशा कल पर टाल देते हैं। मैं कल सुबह उठकर पढ़ाई कर लूंगा, मैं कल से व्यायाम जरूर करूंगा, कल से समय पर उठूंगा, कल से मैं कुछ बुरा नहीं बोलूंगा, कल से मैं अपनी बेटी के लिए समय जरूर निकालूंगा। लेकिन कल के भरोसे खुद से किए ये वादे हम कभी पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि जब कल आज में बदल जाता है तो हम फिर उस बात को आने वाले कल पर टाल देते हैं। इस तरह से ये सिलसिला कभी महीनों तो कभी सालों तक चलता रहता है। जो काम आप कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि ऐसा ही हाल आलसी लोगों का भी है। ये हर काम को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। हर घड़ी हर पल जीवन में बदलाव होते रहते हैं, ऐसे में कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो फिर आप अनजाने कल के भरोसे क्यों बैठे रहते? आपने अपनी बेटी से वादा किया कि कल से आप उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे, लेकिन क्या आपको अचानक किसी जरूरी काम में जाना पड़ा और अपना वादा नहीं निभा पाए? इससे आपकी बेटी का दिल टूट जाएगा। इसलिए कल के भरोसे कोई काम छोड़ने से बेहतर है कि आप उसकी शुरुआत आज से ही करने की कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो कल का इंतजार किए बिना खुद से कहें, मैं ये काम आज अभी से शुरू कर रहा हूँ। यकीन मानिए, आपका ये दृढ़ संकल्प आपको अपने मकसद में सफलता जरूर दिलाएगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमें सफलता पाने के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। आलस्य छोड़कर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारी योग्यता को बढ़ा सके। निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। एक बार की बात है, एक बाज के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे लेकिन उड़ना नहीं सीख पा रहे थे। रोजाना उनके पिता दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में ले जाते, जहाँ दिन भर दोनों बच्चे दाना चूगते रहते। शाम को फिर पिता उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वापस घर ले आते। रोजाना ये कर्म चलता रहा। बाज के बच्चों ने भी ये सोच लिया कि जब पिता हमें ले जाते और ले आते हैं तो फिर हमें उड़ने के लिए प्रयास करने की जरूरत क्या है। उधर बाज ने बच्चों की इस मनसा को जान ली। वो जान चुका था कि दोनों बच्चे आलसी हो गए और मेहनत करना नहीं चाहते। अगले दिन पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और आकाश में ले उड़ा। ऊंचाई पर पहुंचने पर अचानक पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ से गिरा दिया। खुद को मुसीबत में देख दोनों बच्चों ने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया और उड़ान भरने लगे। शाम को घर पहुंचकर दोनों बच्चों ने अपने माता को इस बारे में बताया तो माता ने दोनों बच्चों को समझाया कि जो लोग अपने आप नहीं सीखते उन्हें ऐसे ही सिखाया जाता। बच्चों को अपनी माँ की बात समझ में आई। इसके बाद वह आलस्य छोड़ ऊंची उड़ान भरना सीखने लगे। दोस्तों, जो व्यक्ति आलसी होता है उसका ना तो वर्तमान होता है ना ही भविष्य। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। दरअसल आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर किसी व्यक्ति में आलस भरा है तो वो अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। वो ना तो अपने जीवन की कोई कीमत समझता है और ना ही किसी कार्य को। उसकी नज़र में दोनों ही चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आलस की चपेट में होता है। यदि हम अपने जीवन में सफल होने की कामना करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना होगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं? यदि कोई भी आदमी अपने आप को बिना कुछ किए हुए पहले ही अपने आप को असफल मान ले तो वो पूरी जिंदगी में कभी भी
सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह सफल होने के लिए नहीं सोचता, बल्कि सफलता से ज़्यादा असफलता के बारे में सोचता। इसलिए ज़िंदगी सफल होने के लिए अपने सबसे पहले अपने सोच को सफल होने की जरूरत है। सफलता हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती नकारात्मक विचारों और कार्यों से छुटकारा पाना है, सकारात्मक सोच विकसित करना और इसके साथ साथ बीच में सफलताओं के बाद भी उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की भावना रखना जरूरी है। सफलता पाने के लिए अपने मन को समझा कर असफलताओं आलोचनाओं का डटकर सामना करना चाहिए। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए आपको बाद में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ और होता। यदि एक बार समय चला जाता तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। समय आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा है जो भगवान ने सभी को समान रूप से दिया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल आपके लिए एक अवसर है और इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाते तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाहकर भी ये कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय वो काम कर लिया होता, काश मैं अपने जीवन के प्रति उस समय सचेत होता। यदि आपके पास किसी काम में सफल होने का कुछ भी समय और बाकी बचा है तो तुरंत संभल जाइए, मौका अभी भी आपके हाथ में, बस मेहनत कुछ ज़्यादा करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं है बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर कर। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं खुद को ऊँचा उठाने में वक्त लगाइए। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिनमें सांसें नहीं है वो ही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा। जिस मित्र की आपके दुश्मनों के साथ बैठक हो उस मित्र से सदैव सावधान रहना चाहिए। बुरी संगत में रहने से तो अकेला रहना बेहतर है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। सीमेंट से भी एक सीख मिलती, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना भी। जब आप आलस करते तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते तो सब कुछ आसान लगता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा गुरुकुल था। वहाँ सभी शिष्य गुरुजी के मार्गदर्शन में पढ़ा करते थे। उन सभी बच्चों में एक विद्यार्थी बहुत आलसी प्रवृत्ति का था, क्योंकि वह हर बार आज के काम को कल पर तो कल के काम को परसों पर टाल देते थे। गुरुजी उसकी इस गंदी आदत से बेहद परेशान थे। इस कारण गुरुजी ने काफ़ी सोच विचार कर उसे कैसे समझाया जाए इसके लिए एक रणनीति बनाई। अगले दिन गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें ये काला पत्थर देने जा रहा हूँ, इसे तुम किसी भी लोहे की चीज़ पर घिसोगे तो वो सोने की बन जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का ही समय है। सूर्यास्त के बाद ये पत्थर काम करना बंद कर देगा और मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूँगा। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले जाते। आलसी शिष्य से बहुत खुश होते और मन ही मन वो नई चीज़ों को खरीदने के बारे में सोचता रहे और मन ही मन बड़बड़ाता रहता है, मैं सोने का ये करूँगा वो करूँगा। आलसी शिष्य ने बहुत सारे ख्वाब तो बुन लिए लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा था। आलसी शिष्य ने सोचा अभी तो मेरे पास बहुत समय है इसलिए अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ। नींद में भी वो आलसी शिष्य बहुत ही बड़े बड़े सपने देख रहा हो और बस सोचता ही रहता है। आलसी शिष्य को सोचते सोचते पूरा एक दिन बीत जाता है और वो आलसी शिष्य अभी भी सोच ही रहा होता। वो बड़बड़ाता है कि अभी तो मेरे पास पूरी शाम पड़ी है, मैं इन सभी अपने सपनों को बहुत ही जल्द पूरा कर लूँगा, इसलिए अभी थोड़ा आराम कर लेता और फिर जब उठूँगा तभी इन सपनों को भी पूरा कर लूँगा। जब नींद से वो उठता है तो दोपहर हो जाती और फिर वो दोपहर का खाना खाने लग जाता है। और जब वो आलसी शिष्य घड़ी की तरफ देखता है तो सोचता अभी तो पूरे 4 घंटे बचे सूर्यास्त होने में, इतनी देर तक मैं क्या करूँगा, इसलिए थोड़ी देर आराम ही कर लेता। आलसी शिष्य शाम को नींद से उठता है और घड़ी को देखकर दौरा दौरा बाहर भागता है और लोहे की चीज़ ढूंढने में लग जाता है। लेकिन रास्ते में गुरुजी उसे मिल जाते हैं और उससे वो पत्थर वापस ले लेते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब शाम हो चुकी है और सूर्यास्त भी हो गया है। आलसी शिष्य को पछतावा होता और उसे समय के महत्व का एहसास होता। दोस्तों हमारा भी यही है,
हम भी आज के काम को कल पर तो कल के कामों को परसों पर टालते रहे, जिसके कारण वो काम कभी भी नहीं हो पाते। इसलिए तो कहा गया है, कल कभी नहीं आता, जो करना है आज ही करो। हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जितने भी सफल लोग इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है, इसलिए वो सफल हुए। अगर हमें भी सफल बनना है तो हमें आज में ही जीना होगा।